महाराष्ट्र में रजा अकादमी पर पाबंदी को लेकर सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ती नजर आ रही है। शिवसेना पाबंदी लगाने के पक्ष में है, कांग्रेस विरोध कर रही है, एनसीपी इस पूरे केस में तटस्थ भूमिका में है। गौरतलब है कि त्रिपुरा हिंसा को लेकर रजा अकादमी ने महाराष्ट्र में हाल ही में बंद बुलवाया था और उसके बाद जमकर हिंसा हुई थी। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हाल ही में यह हिंसा तब भड़की थी जब त्रिपुरा में हिंसा का हवाला देकर बंद आयोजित किया गया। बंद का आह्वान करने वालों में रजा एकेडमी भी शामिल थी। बीजेपी ने आज एक अहम बैठक में प्रस्ताव पारित कर रजा एकेडमी पर पाबंदी लगाने की मांग की। महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना भी पाबंदी के पक्ष में नजर आई। दंगा फैलाने का काम करने का प्राथमिक दोष जिस रजा अकादमी पर आ रहा है उसके बारे में भी कार्रवाई करनी चाहिए और उसके ऊपर बंदी लानी चाहिए, ये बात आज इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन में चर्चा हुई है। लेकिन महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस पाबंदी लगाए जाने का विरोध कर रही है, वहीं एनसीपी फिलहाल तटस्थ भूमिका में नजर आ रही है। इस सारे घटना की जांच महाराष्ट्र पुलिस कर रही है और अच्छे अधिकारी उच्च अधिकारी लगे हुए हैं और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। इससे पहले मुंबई के आजाद मैदान में हुई हिंसा में रजा एकेडमी का नाम आया था, तब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी। इस बार दोनों पार्टियों के साथ शिवसेना भी है, लेकिन पाबंदी को लेकर तीनों के सुर अलग अलग हैं। राजीव रंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।